बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। सऊदी अरब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब ही एक और मैं अभी बयान पढ़ रहा था, मैंने बोला भाई उस साथ भी शेयर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर इसे बोलूंगा मैं भाई, उमरा जायरीन के मुतल्लक आ रही है, लेकिन इसके अभी कन्फर्म नहीं कुछ भी किया गया, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेकिन उमरा जायरीन के साथ कुछ और बंदे मखसूस किए जाते हैं या क्या होगा ये तो भाई पता चल जाएगा, लेकिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। आपको पता है नवंबर चल रहा है, 30 तारीख लास्ट आ रही है, इसके बाद ना ही काम है ना छुट्टियां, यहां तक बड़े हुए हैं, फ्लैट्स भी ओपन नहीं हो रही हैं और इकामा छुट्टी के मुतल्लिक मजीद ऐलान भी नहीं किया जा रहा है। ये तो आपको पता है जी, या तो ऐलान हो जाना चाहिए या भाई अभी फ्लैट्स ओपन हो जानी चाहिए, इन दोनों में से एक काम हो जाना चाहिए इन 2-4 दिन में, मेरा ये मानना है। बहरहाल भाई जो सऊदीया के सफीर हैं पाकिस्तान में नवाफ अल मालकी, उनसे मुलाकात हुई है जी पाकिस्तानी, यहाँ पर उसके मतलब आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ मैं। एक कारी हैं जी नूर अल हक साहब, उनकी मुलाकात हुई है, पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि उमरा जायरीन के मतलब फ्लैट्स वगैरह ओपन करें, जो वर्क परमिट के ऊपर हैं या जो इकामा होल्डर मेरे भाई हैं उनके लिए अगर बाद में हो जाती हैं कुछ दिन तो फिर भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उमरा जायरीन के लिए ओपन कर दें। तो भाई उस नवाफ अल मालकी की तरफ से अभी तसल्ली दे दी गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आप बोल रहे हैं यार नूर अल हक कारी साहब हैं जो, उनको के आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए अच्छी खबर होगी। अभी आने वाले कुछ दिनों में ये 2 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 1 वीक हो सकता है, उमरा जायरीन के लिए फ्लैट्स अगर ओपन होती हैं तो साथ में मेरे जो भाई छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं उनके लिए भी कोई ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये तो भाई अभी आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा, यानी कि फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी या आपके भाई इकामा छुट्टी वगैरह फिर से मजीद बढ़ा दिए जाएंगे।